पॉइंटर टू पॉइंटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लाइक अदर वेरिएबल, जैसे हम लोग दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को हम लोग एक पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। वैसे ही किसी पॉइंटर का भी एड्रेस हम लोग किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लाइक यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल लूँ, मैं यहाँ पे इंट का एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स, ठीक है। मैंने एक पॉइंटर बनाया इंट एस्ट्रिक पी टी आर, ये मैंने एक पॉइंटर बना लिया। फिर उसके बाद अगर मैं एक और पॉइंटर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर और बनाया पी टी आर टू, पी टी आर टू मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और पॉइंटर यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंटर का एड्रेस, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है, जैसा ये नॉर्मल वेरिएबल वैसे ही ये पॉइंटर वेरिएबल, तो ये भी कोई मेमोरी लेगा। यहाँ पे इंटीजर का अगर है तो वो 2 बाइट्स की मेमोरी लेगा, ठीक है। मतलब अगर वो मेमोरी ले रहा है तो उसका एड्रेस भी होगा, ठीक है। तो इस पॉइंटर का एड्रेस मैं इस पॉइंटर टू में भी स्टोर कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, पी टी आर इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ पी टी आर, ऐसा मैं यहाँ पे इसका एड्रेस भी स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे उस समय पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम्परसेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जनरली कोई भी एक पॉइंटर का भी एड्रेस हम लोग दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ए पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन सी, पॉइंटर रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर जनरली क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है, और जो उस वेरिएबल को एक्सेस करने का टाइम होता है उसको वो बचाता है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन ए पॉइंटर टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर, हम क्या कर सकते हैं, एक और पॉइंटर डिफाइन कर सकते हैं जो स्टोर करेगा दूसरे पॉइंटर का एड्रेस। तो इस पॉइंटर को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब क्या होगा कि एक पॉइंटर जो है दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर जो है दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है। इसको हम लोग डबल पॉइंटर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग डबल पॉइंटर भी बोल सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, वेयर एज द सेकेंड पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ फर्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल लेंगे, ठीक है, मान के चलिए ये एक वेरिएबल है, मान के चलिए ये एक वेरिएबल है, उसका उसमें कोई एक वैल्यू है। इस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर में स्टोर होगा, मतलब ये एक पॉइंटर है वो इस वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंटर है, वो क्या करेगा, इस पॉइंटर के एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंटर है वो इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, और ये पॉइंटर जो है फर्स्ट वाला वो किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या हुआ, वेरिएबल का पॉइंटर, वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एक पॉइंटर में यहाँ पे स्टोर हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस जो है सेकंड पॉइंटर में स्टोर हुआ। बस यही यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। उसके सामने यहाँ पे दो एस्ट्रिक लगे होंगे, दो एस्ट्रिक मतलब हम लोग को समझ जाना है कि वो पॉइंटर टू पॉइंटर है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पॉइंटर बनाया। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, एस्ट्रिक पी।
उसके सामने एक पॉइंटर और लगा दिया, मतलब वो पॉइंटर जो है वो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ये जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो किसी इंटीजर टाइप के पॉइंटर को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डबल एस्ट्रिक। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में क्या किया, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया ए और उसको मैंने 10 से इनिशियलाइज कर दिया। वेरिएबल मैंने लिया ए, उसको हमने 10 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर मैंने बनाया, पॉइंटर मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये एक नॉर्मल पॉइंटर जो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया डबल एस्ट्रिक डबल पी। यहाँ पे मैंने पीपी नाम का एक पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया। अब ये पॉइंटर क्या कर सकता है, किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर कर सकता है, किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर कर सकता है। अब नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने इस पी को इनिशियलाइज किया। पी क्या है, हमारा एक नॉर्मल पॉइंटर है। पी क्या है, हमारा एक नॉर्मल पॉइंटर है। पी इक्वल टू एम परसेंट ए। इस ए का एड्रेस मैंने इस पॉइंटर पी में स्टोर कर दिया। तो पी अब किसके एड्रेस को पॉइंट करेगा, ए के एड्रेस को पॉइंट करेगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पी पी लिखा। पी पी जो है हमारा वो सेकंड पॉइंटर है, जो पॉइंटर टू पॉइंटर हमने बनाया था ये वाला। इसमें हमने स्टोर किया एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी, पी का मैंने एड्रेस स्टोर किया। तो इस प्रकार से मैंने पी का एड्रेस इसमें स्टोर कर दिया, पॉइंटर टू पॉइंटर में मैंने स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद मैं एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ ए परसेंट एक्स, और यहाँ पे मैंने पी को प्रिंट किया। अब मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगाया, तो क्या प्रिंट करेगा, वो एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है। किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, जो भी उसके अंदर एड्रेस होगा वो एड्रेस को प्रिंट करेगा। इस पॉइंटर पी के अंदर में है ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ दिया एड्रेस ऑफ पी परसेंट एक्स, और यहाँ पे मैंने दे दिया पी पी। पी पी के अंदर क्या अवेलेबल है, एड्रेस ऑफ पी अवेलेबल है, मतलब पॉइंटर पी का एड्रेस इस पी पी के अंदर अवेलेबल है, तो उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग ने दोनों में एस्ट्रिक नहीं लगाया है। जब हम लोग एस्ट्रिक लगाते हैं तो वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर हम लोग एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे तो एड्रेस प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पे दिए वैल्यू स्टोर्ड एट पी परसेंट डी, और यहाँ पे हमने दिया एस्ट्रिक ऑफ पी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सीधा वैल्यू को पॉइंट करेगा, मतलब हम लोग को एड्रेस पे ले जाएगा और उसके बाद पूरे उसको वैल्यू को एक्सेस करके यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी 10। नेक्स्ट लाइन में वैल्यू स्टोर्ड एट पी पी परसेंट डी, और हमने यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर को प्रिंट किया। अब ये पॉइंटर टू पॉइंटर में किसका एड्रेस है, पी पी के अंदर है एड्रेस ऑफ पी। अब उसके पास पी के पास चले जाएगा, पी में मिलेगा उसको एड्रेस ऑफ ए, और एड्रेस ऑफ ए में उसको मिलेगा वैल्यू 10। तो 10 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। एड्रेस ऑफ ए ये एड्रेस प्रिंट करेगा, फिर एड्रेस ऑफ पी ये एड्रेस प्रिंट करेगा, फिर वैल्यू स्टोर्ड एट पी 10 प्रिंट किया, वैल्यू स्टोर्ड एट पी 10 प्रिंट किया। तो इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पॉइंटर का एड्रेस जो है दूसरे पॉइंटर पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर डबल पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे दूसरे वेरिएबल्स में हम लोग यहाँ पे कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हम लोग करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे पॉइंटर पे भी कर सकते हैं। पॉइंटर की अगर बात करेंगे तो पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस, ठीक है। अगर हम लोग एड्रेस में कुछ भी मान के चले इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है,
तो इंक्रीमेंट कैसे होगा, प्लस वन से इंक्रीमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा वो एड्रेस पे होगा, वैल्यू पे नहीं होगा, वो किस में होगा, एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द पॉइंटर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, हाउएवर एज वी नो दैट पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस। ठीक है, हम लोग इस पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, सारा ऑपरेशन हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो जो पॉइंटर है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है। अगर हम लोग एड्रेस पे इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर कोई कंपेरिजन हम लोग करते हैं, तो वो सारा ऑपरेशन करने के बाद हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एड्रेस के फॉर्म पे ही मिलेगा, वो भी एड्रेस के फॉर्म पे ही हम लोग को मिलेगा। मतलब अगर मान के चलो, अगर कोई भी एक एड्रेस है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी एक एड्रेस ले लेता हूँ, मान के चलो 1001 है। अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट करता हूँ, मैं इसको इंक्रीमेंट करके, ठीक है, अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट करता हूँ तो कैसे इंक्रीमेंट करेगा, प्लस वन करेगा। ठीक है, मतलब 1001 प्लस वन, ठीक है, ये 1001 जो है हमारा एड्रेस है, ठीक है, हमारे मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है, उस पर वो प्लस वन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, 1002 मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 1002 प्लस वन करके मिल रहा है, मतलब 101 जो है एक मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, और 1002 जो है वो अगला एड्रेस है, मतलब उसका जस्ट नेक्स्ट एड्रेस होगा, ठीक है, मतलब उसका जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट एड्रेस हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जैसा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, अगर एक घर है उसका एड्रेस है 1001, अगर उसमें हम लोग प्लस वन ऐड करेंगे तो अगला वाला घर मिलेगा, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग को अगला वाला एड्रेस मिलता है। लेकिन जो अगला एड्रेस मिलेगा वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे इंट का कोई भी एक पॉइंटर बनाया, एस्ट्रिक पीटीआर, ठीक है, मैं इस पॉइंटर पे प्लस वन करता हूँ, मतलब पीटीआर प्लस वन करता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलिए पीटीआर में जो एड्रेस है वो 1001, ठीक है, 1001 है, ठीक है, मैंने उसमें इंक्रीमेंट किया प्लस वन, मैंने उसमें इंक्रीमेंट किया प्लस वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप हमेशा 2 bytes का मेमोरी लेगा, कितना मेमोरी लेगा, 2 bytes का मेमोरी लेगा। तो अगर मैं इस 2 bytes को इंक्रीमेंट करो, मतलब पॉइंटर का एड्रेस क्या है, पॉइंटर के अंदर क्या एड्रेस स्टोर है, 1001 स्टोर है, मैं इस पॉइंटर पे प्लस वन करूंगा और यहाँ पे ले रहा है 2 byte, ठीक है, तो इसको इंक्रीमेंट कितने से करेगा, 2 byte से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 1001 था प्लस 2 bytes होगा, मतलब 1003 उसको एक नया एड्रेस मिलेगा, ठीक है, डिपेंड कैसे कर रहा है, इस डेटा टाइप से। देखिए अब यहां पे हम लोग ने एक पॉइंटर बनाया पीटीआर, ठीक है, मैंने उसको इंटीजर टाइप का बनाया, इंटीजर जो होता है वो कितना बाइट लेता है, 2 byte लेता है, अभी हम लोग मेमोरी की बात कर रहे हैं, 2 byte की मेमोरी लेता है, ठीक है। अब जो ये पॉइंटर है, पॉइंटर में एड्रेस क्या स्टोर है, मान के चलो यहाँ पे 1003, ठीक है, इस पॉइंटर में एड्रेस स्टोर है 1003, ठीक है, मैं इस पॉइंटर में इंक्रीमेंट करूंगा, मैं करूंगा प्लस वन, ठीक है, इंक्रीमेंट वैसे ही होता है, प्लस वन करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि जो यहाँ पे पॉइंटर है वो उसका डेटा टाइप क्या है और वो कितना मेमोरी ले रहा है। तो यहाँ पे उसको पता चलेगा कि वो इंटीजर टाइप का है और वो 2 byte का मेमोरी कंज्यूम करता है, मतलब अगर हम लोग एक पॉइंटर बनाएंगे तो वो 2 byte का मेमोरी लेगा, ठीक है, अगर हम उसमें हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, अगर हम उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब प्लस वन करते हैं,
तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस पे प्लस वन करेगा। अब प्लस वन करना मतलब प्लस वन मेमोरी लोकेशन को प्लस करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो ये मेमोरी लोकेशन होगा वो 2 बाइट का होगा, ठीक है। तो जो अगला एड्रेस मिलेगा मतलब 1003+2 बाइट, ठीक है। मान के चलते हैं कि हम लोग एक मेमोरी जो है 1 बाइट की मेमोरी है, तो 1003+2 बाइट सिंगल इंक्रीमेंट पे वो कितना इंक्रीमेंट करेगा, 2 बाइट का इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस वन से, मतलब जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस वन से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वो नेक्स्ट हम लोग को मेमोरी लोकेशन देगा और उसका एड्रेस क्या रहेगा, 1003+2 बाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1005 हम लोग को मिलेगा, ठीक है। 1005 हम लोग का यहाँ पे नया एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो जो भी इंक्रीमेंट होगा वो इस एड्रेस पे इंक्रीमेंट होगा, और जितना ये मेमोरी लेगा उतना ही इंक्रीमेंट होगा। अगर मान के चले मैं यहाँ पे फ्लोट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे फ्लोट का एक पॉइंटर बनाता हूँ PTR, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको PTR+1 में करता हूँ, ठीक है। प्लस वन से मैं अगर इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेगा, ठीक है। 4 बाइट लिया, और मान के चलो इस PTR में एड्रेस स्टोर है 1006, ठीक है। 1006 अभी स्टोर है, मैं इसमें करूंगा +1, ठीक है। प्लस वन करूंगा तो यहाँ पे 1006+4 बाइट कितना हो जाएगा, 1010 हम लोग को नया एड्रेस मिलेगा। सिंगल इंक्रीमेंट में वो 4 बाइट का इंक्रीमेंट कर रहा है, सिंगल इंक्रीमेंट में वो 4 बाइट प्लस करेगा, मतलब जो उसको नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन मिलेगा उसका एड्रेस होगा 1010, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी अगर पॉइंटर में इस टाइप का ऑपरेशन करते हैं तो वो डिपेंड करता है हमेशा डेटा टाइप पे, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा वो एड्रेस पे ही इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, या एडिशन करेगा, या सब्ट्रैक्शन करेगा, या मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, या फिर कंपैरिजन करेगा, सब के सब इस एड्रेस पे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सभी के सभी इस एड्रेस पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा।